हेलो पीपल, दिस इज इंडियन ब्लॉगर राहुल लोहानी और आज मैं आया हूँ शरद केलकर के घर पे गणपति दर्शन के लिए। हेलो, वेलकम टू द चैनल ऑफ इंडियन ब्लॉगर राहुल लोहानी और मैं हूँ शरद केलकर और आज राहुल जी मेरे आए हैं गणपति जी के दर्शन करने के लिए। इंडियन ब्लॉगर मुझे कहती हो गया मम्मा। जब 8th स्टैंडर्ड में था तब से मैं गणपति घर पे ला रहा हूँ और मेरे डैड लाते थे तो मैंने इज्जत की एक बार मैं भी अपने छोटे गणु बप्पा लाऊंगा। तब से एक वो है, रिचुअल है हर साल का, तो इट्स बीन लॉन्ग टाइम। इजी पूरा डेकोरेशन करती है हर बार, मैगी ने भी जो राहुल की वाइफ, उन्होंने भी कुछ साल किया हमारे यहाँ। इट्स अ ग्रेट फेस्टिव मूड फॉर ऑल ऑफ अस और नाउ फॉर दीज 5 डेज। बड़ा मजा आता है, दोस्त आते हैं घर पे, बहुत कुछ खाना पीना होता है, जो बाकी दिन तो हम सब डाइट करते रहते हैं। एंड बहुत श्रद्धा होती है, हर काम का शुभारंभ गणपति जी से होता है। शरद से हम एक सवाल पूछेंगे कि क्योंकि जब से सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस आया है, हर कोई गणपति अपने घर पे रखना चाहता है, नॉट जस्ट इन बॉम्बे और महाराष्ट्र, इनफैक्ट एंटायर इंडिया, तो इससे इन्वायरमेंट को बहुत असर पड़ रहा है, तो ये कैसे गणपति रखते हैं? हमारे शुरू से इको फ्रेंडली गणपति लाए जाते हैं शुरू से, बिकॉज जब हम पहले बिठाते थे गणपति तब बहुत कम लोग गणपति घर पर लाते थे और नॉर्मली एक बड़े पंडाल में एक गणपति होते थे जहाँ सब लोग दर्शन करने जाते थे। धीरे धीरे वो गणपति की संख्याएँ बढ़ने लगी हैं हर घर में, तो उसकी वजह से थोड़ा कमर्शियल एंगल आ जाता है कि लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाते थे, कहीं प्लास्टिक यूज़ हो रहा है, कहीं कुछ और यूज़ हो रहा है मटेरियल। हमारे यहाँ हमेशा इको फ्रेंडली आती है जो कि मिट्टी की मूर्ति होती है और वो पानी में बहुत इजीली डिजोल्व हो जाती है। और इस बार तो जो कलर्स जो यूज़ किए गए हैं, स्पेसिफिकली बोला गया है और यूज़ किए गए हैं, वो भी वाटर सॉल्युबल कलर्स हैं, तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा पर्यावरण को। और मेरी गुजारिश सबसे ये है कि बिल्कुल श्रद्धा है आपकी, आप गणपति घर पे लेके आएँ, 1.5 दिन के हों या 5 दिन के हों, 10 दिन के हों, 11 दिन के हों, ये ख्याल रखें कि आपकी वजह से पर्यावरण का ज़्यादा नुकसान ना हो। कई बार ऐसा होता है कि श्रद्धा के साथ हम सोच कहीं कुंद हो जाती है कि हम मूर्ति तो ला रहे हैं, बट इस बार थोड़ा सोच समझ के कीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं हालत कैसी हो रही है, पानी इतना गिर रहा है, कहीं गर्मी ज़्यादा हो रही है, ये सब हमारी वजह से है, तो कहीं ना कहीं हमें उसको हमें ही कंट्रोल करना पड़ेगा। शरद के डॉगी का नाम है बकाडी, मतलब मैंने पहली बार नोटिस किया कि वो आरती में आके अपने आप बैठ जाता है, ये अभी हुआ है या पहले से ऐसा है? नहीं, वो शुरू से बकाडी की आदत है, उसको पता है एग्जैक्ट टाइम आरती का, वो आ जाता है आरती में और उतने ही एक्साइटमेंट में, वो शायद वो प्रसाद का एक्साइटमेंट होगा क्योंकि इनको मीठा देना बैन है, बट लेकिन प्रसाद मिलता है उसे, तो टाइम पे आ जाता है, बड़ा एक्साइटेड रहता है। तो चलो शरद को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने देते हैं। प्लीज़ राहुल लोहानी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, पसंद आए तो शेयर कीजिए।